राम राम भाई, सारे भाइया ने साहिवाल की भाई 3-4 दिन 5 दिन पहले भी मिल्किंग चालू करी थी इसकी, बट कुछ कारणवश नहीं दिखा पाए। अब दोबारा से फिर आप लोगों के सामने, क्योंकि बारिश का मौसम था, 4-5 दिन लगातार बारिश हो रही थी भाई, नहीं टाइम लगा और कुछ गायें भी थोड़ी सी डाउन आ गई थी, इसलिए 5:26 3 अप्रैल 2023 आज सुबह की ये मिल्किंग है 5:23 की भाई। पहली मिल्किंग इसी से स्टार्ट मानो, और शाम की जो है वह मैंने बना ली है भाई, वो फिर शाम को सुबह डाल देंगे। एक तो भाई मारा धार काटनी आई साहियो, बस ठीक है, हमारा काम चल रहा है बढ़िया। बाकी मिल्किंग में मारा मुन्ना थोड़ा सा, एक तो छोटी धार काटनी आई ना, बड़ी लंबी धार नहीं लगती इस पर, टुचुक 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 नू काटी जागा जो कर दो, वो इसकी करड़ी धार है इस हिसाब से, एक आदत ऐसी है। जो टाइमिंग 5 मिनट की जो टाइमिंग होनी चाहिए मिल्किंग की, वह 10 मिनट में पूरी कराया करें, ये हर बार आप वीडियो में देखते भी हो तो इस बात का भी बहुत आधी किलो पहिया दूध का बड़ा असर पड़ता है इस बात का। आप जल्दी अगर स्पीड से निकालोगे जो भैंस बन सोचे गाय हो, थोड़ा ज़्यादा निकालेगी आधी किलो पहिया का, और देर से निकालोगे तो थोड़ा पहिया आधी किलो फर्क पड़ेगा। चाहिए तो भाई घना बर्तन की चीज़ है, और अब सुबह का और शाम का भी ये फर्क है भाई, 1 किलो दूध का कौन से टाइम निकाल कर देख लियो आप, चाहे अपने घर पर बर्त के देख लो, 1 किलो हर भैंस हो या गाय हो, 1 किलो 3 पा आधी किलो से लेके 1 किलो तक, एक टाइम का टाइम से टाइम ज़्यादा मिलेगा आपको, चाहे शाम को ज़्यादा मिले या सुबह ज़्यादा मिले। कई हैं वो शाम को ज़्यादा निकालती हैं फिर सुबह भी उसी टाइम वो कम निकालती हैं, कई सुबह ज़्यादा निकालते शाम को कम। तो अब देखना भाई वो कितनी देर में तो इसकी धार काट देगा, बड़ी नरम और मोटी चुवाई है गो माता की। पहली मिल्किंग इसी से मानेंगे भाई, क्योंकि बीच में तो गड़बड़ेशन हो गई थी, 2-3 दिन में भी बाहर चला गया था, ऊपर से गायें भी थोड़ा डाउन मार गई थी बारिश के कारण, बारिश में भीगी थी जिस दिन हमने पहली मिल्किंग चलाई थी, उस दिन रात को बारिश में भीगी थी ये, नहीं तो सुबह भी जिस दिन मैंने वो 9 किलो 350 ग्राम आया था शाम को, सुबह भी 11 किलो 108 ग्राम दूध था उस दिन, बस मैं जब भी समझ गया था भाई माँ 2 किलो दूध कम कर दिया तो कुछ ना कुछ गड़बड़ है। तो टेम्परेचर 100.3 था गाय का, कम था, तो गाय को एक बोतल लगवाई भाई हमने माईफेक्स की, कैल्शियम की, और मोटी इलायची वगैरह दी। फिर अब वापस 3-4 दिन में ही फिर रूटीन में वापस फिर उसी दूध पे आ गई है, 20-21 21 21.5 लगभग उसी पे फिर चल गया। और इसी मिल्किंग में भी पेटा मेरा पूरा नहीं भर रहा दूध गाय पे, क्योंकि गायें से उम्मीदें मेरी 24 किलो की दूध की हैं, कोशिश करते रहेंगे बेचनी बह है नहीं या तो ट्राई इसकी ज़रूर लेते रहेंगे, अगर भाई चांस मान लो देनी भी पड़गी तो इस आदमी को देंगे भाई जो इसका बछड़ा हमने पाड़ के वापस दे, बछड़े की इस गाय की ज़रूरत है, क्योंकि 4 दांत के अंदर 20-21 किलो दूध, 21-20 ही राउंड फिगर मान के चलो, 20-21 ही मान लो, बहुत ज़्यादा मात्रा में होता है भाई, वो भी अपनी इंडिजिनस ब्रीड साहिवाल के अंदर। कितनी गायें हैं, कितने बड़े बड़े फार्म देखो आप, बड़ी गायें 4th-5th-3rd ब्यात में जाके कितने 23-24 एक आधी गायें पाओगी, गिनी चुनी 50 गायें हो जाएंगी 22-23-24 किलो की, अन्यथा 17-18 की तो बहुत पा जाएंगी, पर 4 दांत में 20-21 किलो तो बहुत हो जाए। और एक बार फिर खेड़ जरूर मारेंगे भाई 24+, एक बार जरूर 3-4 टाइम की एक बार दिखाऊँ आप लोगों को, क्योंकि देखो भाई देखने वाले भाई हैं, दुनिया शीशा है भाई, बार बार बोलिया करूँ मैं यह बात, देख के बता दे भाई इस चीज़ में झूठ से इस चीज़ में सच से, बोलते बेरा पट जाए आदमी का वह कोई बात नहीं, और
कई वाहियात आदमी हैं जो बेफिजुल्ले आदमी हैं जिनकी कोई ज़रूरत नहीं है वीडियो देखने की, उनको तो मैं उसी टाइम ब्लॉक कर दूँ भाई। जो बेमतलब का ज्ञान फेंके हैं घर कान बाछी अरनिंदा बाछी, और जो दिल से जुड़े हैं भाई, दिल से देखे हैं वीडियो डेली, उनका भाई बार बार धन्यवाद। जो चैनल ने आप भाई देखो हो, टाइम निकालो हो। अब ये है हमारे मुन्ने की टाइमिंग, 10 मिनट की वीडियो बननी हो मिल्किंग की तो उड़े मुन्ने की 17-18 मिनट की बने आकर है। और उस दिन हिमांशु था वीडियो, जिस दिन हमने इसकी 4-5 दिन पहले ट्राई करी थी मिल्किंग की, हिमांशु इसकी देखो आपने 7 मिनट में या 6 मिनट में उसने पूरी मिल्किंग कंप्लीट कर दी थी भाई, 9.5 किलो दूध। और कुछ थोड़ी सी टाइमिंग की ये भी हो रही है, एक उंगली पे मुन्ना का फुंसी होगी थी तो इसके उसमें भी कई दिन इसका चोट भी रही, दर्द भी है, एक हाथ तक कमजोर पड़े है इसके। उम्मीदें हैं भाई अभी भी आपको 22 तक जरूर तोल के दिखावांगे, कोशिश है। बाकी तोलना ना तोलना ये आवाज़ में बाद में जोड़ रहा हूँ, और वीडियो मैंने फ़ोन में दोनों टाइम की बना के इसलिए रखी, डाली मैंने इसलिए नहीं क्योंकि किस्मत ख़राब है भाई मेरे, तो बहुत साथ नहीं दिया करती कई बार, तो मैं एक बार पहले अपनी वीडियो ही बना लिया गूगल पर टाइम दिखा के, उसके बाद उसको अपलोड कर देंगे, उसमें कोई समस्या नहीं होती। तो अब दोनों टाइम की होगी है, सुबह वाली भी आपको सुबह जो अब शाम को जो हुई है आज 3 तारीख को, वो सुबह 3 है ना आज, तो वो सुबह वाली मिल्किंग तो ये अब आपको दिखाई दे जाएगी, और शाम वाली है वो सुबह दिखाई दे जाएगी भाई। बस मिल्किंग में एक समस्या आ रही है हमारे साथ, और कोई समस्या नहीं आ रही। जो बछड़ी है इस गौ माता की वो तो निप्पल से दूध पी लेती है, और बछड़ा बुखार है भाई बोतल तय पहनते हैं, बड़ा डर लग गया है कदे भाई दशक चली जा, तो हम तो सिरिंज से इसको 1.5 लीटर 1.5 लीटर पिला दें, हाँ फिर भी बहुत टाइम लगे उसमें। अगर मिल्किंग ना दिखावा तो भी पेटा नहीं भरता भाइयों का, यह भी ज़रूरी है। और फिर ये बछड़ा बुखार है तो भी भाई आत्मा दुख पाव है, और फिर भी इसने सिरिंज तय 50 ml की सिरिंज तय, इसने 1.5 किलो दूध हम फिर भी इसने प्यावा हमने आधा घंटा सारा लाग जाए उसमें, नहीं तो एक थन यो पी ले है एक थन बछड़ी पी ले है, दोनों का गाड़ी पछाड़ी लगभग इसकी बराबर है, कुछ ना कुछ पछाड़ी में ज़्यादा उसका है भाई, आधी किलो ना तो बराबर है, तो 2.5 किलो दूध ये दोनों इन्हें दोनों ने मिल जाए है टाइम का, 10 किलो दूध ये पी ले हर 10-11 मारा रह जाए भाई हम पी लिया। बछड़ा बड़ा अल्टीमेट बछड़ा है, बब्बर या बाबर कुछ भी लगाओ, बाबर भी कह दें कई भाई, बब्बर भी कह दें, बब्बर बुल का ये बछड़ा है सेक्सी मन का। एक बाल्टी भरती है भाई दूसरी में, इसलिए कराया अभी थोड़ा बहुत पैर हिला दे तो कहीं बाल्टी में से दूध डगमगा ना जावे। ये टाइम लगा है भाई मुन्ने की उंगली में दर्द होने के कारण, और वैसे भी इसको और भाइयों से 3-4 मिनट ज़्यादा ही लगती है मिल्किंग में, पर फिर भी मुन्ने में इस गुण को छोड़ कर मिल्किंग वाले को और इतने गुण हैं भाई, बहुत ज़्यादा सेवादार बहुत ज़्यादा है भाई पशुओं का, मन तो धार का डी महीना महीना हो जाए है, सारी धार चुवाई छुरे बरस साफ सफाई बहुत ध्यान रखे है, और सबसे मेन गुण मुन्ना में जो है, जो भी भाई आ जाए बाहर का, चाहे अनजान हो चाहे जानकार हो काम का हो बाहर का हो भाई, उसने चाह पानी हो कभी ना नहीं जानते, यो इस आदमी का मेन गुण है, और यही कारण है हमारे विचार मिल रहे हैं तो इसको भाई 2 साल हो जाएंगे अपने पास अब मुन्ना को 7वें महीने में, और अब तो ये 1 साल में अपने घर गया था पूरे 11 महीने में, बहुत कम नौकर ऐसे होंगे काम करने वाले सेवक जो हैं जो इतने इतने दिन लगातार रुके हैं,
लेबर की बड़ी समस्या है पशुपालकों के साथ, जो ज्यादा मात्रा में रखा है लेबर भाजा है भाई, दो दो महीने काम करके क्यों कर लिया, डटा है किसी का? लोग एक नू नहीं डरते ना लेबर वाले, इसना मुन्न है अपने जो कर मारा घर का बड़ा सदस्य है ना, हम उसकी डाल रखा करा इसने, जिस थाली में हम खावा उसे थाली में मुन्ना खाओ मारा दोहरा बैठ के भाई, कदे भी आकर कोई भाई देख लियो। और लोग क्या करे है, नौकर रखेंगे एक कटोरी एक प्लेट रख दे डेरिया में है, उसने मतलब एक इन भावना दर वो बेचारा कुत्ता थोड़ी है यार, वो आदमी है रे, उसने प्यार तो रखोगे तो यार वो बढ़िया क्यों नहीं थारी वो करेगा, मार दो भाई मुन्ना एक बत बड़ा भाई बड़ा बुजुर्ग की डाल है इसकी घर माम अपनी वो रखा भाई, खुला खावा जिसका जिसका जो जी करे वो खाओ भाई, जो आम खावा वो यू खाओ, पहले यू खाओगे पाछा मारा मुंह जाओगा, और यो एक कारण है जो यो साल साल भर लगता रुक जा मार दो रे अपना हा अपना रे भाई जब इतने दिन डटा आदमी ना तो भाई कौन किस दौर डटा है, इसने काम कर बतेरा रहा मामना नौकर बतेरे मन दोस्ती कह रखी है माँ भाई अपने, जब तितरे हाथ पा चल रहे हैं इतना तेरे आड़े दी रहे तो रिटायरमेंट थी ना कोई आठ नहीं, मैं गरीब गया तो मैं दुखाई उड़ी रोया करे और वक्त बहुत दुख होया करा पाछे, और लोग ये बात नहीं समझते नहीं, इनकी तनख्वाह रख जा है बेचारिया की देख नौकर डेरिया में तनख्वाह कौन रख दे, वो नुए दो बाजा बेचारे यार गलत करें जब दो बाजा, अब आप गलत ना करेंगे तो क्यों बाज जाएंगे, तो वह लगभग मिल्किंग कंप्लीट हो चुकी है, उंगली में दर्द के कारण इतना टाइम बहुत लगा है, हफ्ता सारा हो गया, मिनट से ऊपर की वीडियो हो चुकी है, कै बजे आ रहा है 7:16, तो भाई मानो 8:15-8:15 अपलोड होगी, मिल पा लिया अपना ऐसा बहनी थे पहले जमा एक एक बूंद निचोड़ देंगे भाई, किसी के नुसक नहीं रहा भाई दूध छोड़ दिया और किसी भी भाई का डाउट हो तो मोस्ट वेलकम है, कोई भी भाई आके किसी टाइम भी बिक्री के लिए नहीं वैसे अपनी संतुष्टि के लिए मोस्ट वेलकम है, 24 घंटे आकर न रुको भाई, भाइयों ने बढ़िया खाना खुवावांगे बढ़िया, लोटो आर्डर अपना मिल्किंग देखो भाई, जिसका पेटा ना भरे वो भाई कोई भी भाई बिल्कुल आमंत्रित है साहिवाल की मिल्किंग के लिए, जिसको डाउट हो अपनी आके कदे भी देख सके भाई, ओनली फॉर संतुष्टि खातर बिक्री खातर नहीं, जीरो काटा कर दिया गया है भाई, ये देखें भाई टोटल दूध 11 किलो 40 ग्राम, 11 किलो 30 ग्राम लाओ 40 लाओ, थोड़ा बहुत काटा फ्लैक्चुएट होता है हवा के कारण 10-20 ग्राम, वो कोई बड़ी बात नहीं है, ये देखें भाई 11 40
अब आपको बट्टा भी रखकर दिखा देते हैं भाई। कांटे पे 1 kg का बट्टा है ये, 1 kg। बारह किलो 60 ग्राम, तो ये 10-20 ग्राम ऊपर नीचे फ्लक्चुएशन होती है। पंखे भी चल रहे हैं ऊपर, हवा के कारण भी, और 10-20 ग्राम की कोई फर्क मानो अपना मान लियो भाई। राम राम, नमस्कार सभी दोस्तों को। और सेकंड मिल्किंग सुबह दिखाते हैं भाई आपको, सुबह मिलते हैं। राम राम।